COVID-19 में जहां आम आदमी अपने घरों में बैठकर पूरी तरीके से सरकार का साथ दे रहा है, लेकिन कुछ सरकार के ही लोग हैं वो फिलहाल उस सबको नहीं मानते जो सरकार नियम कानून सबके लिए लगा के रखा गया है। आपको बता दें कि COVID-19 के तहत पूरा गांव स्थित भगवान परमेश्वर महादेव मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा से लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर पूरा मंदिर में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। चेहरे पर मास्क लगा था, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था, जबकि मंदिर प्रबंध समिति ने कोरोना काल में मंदिर के कपाट बंद करने का ऐलान करते हुए शिवरात्रि पर महज झंडा पूजन और झंडा रोहन की रस्म निभाई थी। आज भी मंदिर का मुख्य गेट बंद रहा, लेकिन मंदिर के पीछे के दरवाजे से शाम के समय जिला गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान का जलाभिषेक किया। दरअसल महाशिवरात्रि पर हर साल हरिद्वार और गंगोत्री से लाखों शिवभक्त कांवड़ लेकर पूरा गाँव स्थित भगवान परमेश्वर महादेव मंदिर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण मंदिर के कपाट बंद थे और जलाभिषेक पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन शाम के समय भाजपा के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने असलाधारी गार्डों के साथ मंदिर में पहुंचे और जलाभिषेक किया। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए ना तो मुंह पर मास्क लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। जिस समय विधायक ने जलाभिषेक किया तब वहां बाहर काफ़ी पुलिस बल तैनात भी था। बातचीत करने पर विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि चोरी से आया हूँ, किसी को पता नहीं है, मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चला, मुझे बहुत तड़प थी, मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं जैसे भी आया हूँ घुसते घुसाते आया हूँ, मंदिर कमेटी को बताए बिना आया हूँ, मंदिर कमेटी को पता चलेगा तो मेरे प्रति नाराज़गी बहुत होगी, भगवान के नाम पर इस बात को डिलीट कर दीजिए। ये भी कहा कि महादेव की कृपा है कि कोरोना मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया है। इन सब के बीच में आप साफ तरीके से समझ सकते हैं कि स्थिति इस समय क्या हो सकती है, कह सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों। पंडित तुम साइड में रहो, झटका ना, पंडित जी आप साइड में रहो, आपको झटका ना जिन्ने का। विधायक जी, पूरा महादेव परिसर मंदिर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से बंद है। जो कमेटी का भी मतलब डिसीजन रहा है और प्रशासन का भी, तो उसके बाद आप दर्शन के लिए आए। देखिए, मैं चोरी से आया हूँ, किसी को पता नहीं है, मुझे पता नहीं आपको कैसे पता चला है, मुझे बहुत तड़प थी, मैं महादेव का भक्त हूँ, तो मैं जैसे भी आया हूँ घुसघुसा के आया हूँ, लेकिन आपने पता नहीं कहाँ से देख लिया, तो मंदिर कमेटी को आप बताएं भी ना नहीं, अदरवाइज तो मेरे खिलाफ़ जो है उनको कहीं ना कहीं नाराज़गी होगी। तो महादेव के दर्शन करना है तो इसके लिए आप जो है, मैं समझता हूँ पत्रकारिता के लिए इस तरह का ना करें, भगवान के नाम पे इस बात को तो डिलीट कर दें तो अच्छा रहेगा। विधायक जी, एक मिनट, एक सवाल, कोरोना आज आस्था पे भारी है, उसके लिए क्या आदेश है? कोरोना का महादेव ही इसको इलाज करेंगे, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो ज़्यादा की गई और कोई ना कोई ऐसे कारण होंगे, तो ईश्वर हर चीज़ का विधान सब जानते हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि महादेव बहुत जल्दी ठीक करेंगे। और भारत में अब जो जिस तरह से लोग सही हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो उतने बड़ा प्रदेश 24 करोड़ की जहां आबादी हो, उसकी इतनी शानदार व्यवस्था बनाई गई है, तो सबसे उत्तर प्रदेश में कम केस है और रिकवरी रेट भी हमारा सबसे ज़्यादा है। और अब तो जो दिल्ली डंपिंग ग्राउंड लाशों का बन गया था, दिल्ली में भी सुधार हुआ है, तो पूरे देश के अंदर महादेव की कृपा हुई है। और श्रावण में आज बारिश भी हुई है, इसलिए श्रावण मास में जो है महाशिवरात्रि की भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं। तो कोरोना समाप्त हो जाएगा, और मैंने तो कहा था मेरी विधानसभा में कोरोना नहीं आएगा, तो महादेव कृपा के भी आया नहीं है, इसलिए महादेव का धन्यवाद करने आया हूँ। तो ये कोरोना महामारी समाप्त हो उसी के लिए मैं आया हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा मंडे का फास्ट भी रहता, आज भी फास्ट महाशिवरात्रि है, तो इसमें जो आप, मैं समझता हूँ कि आप कोई बात नहीं अच्छा करेंगे। एक सवाल और, जो कोरोना योद्धा है हमारे जैसे डॉक्टर और पुलिस प्रशासन, वो ज़्यादा संक्रमित हो रहा है, तो क्या उसमें क्या व्यवस्था बनाई गई ताकि वो संक्रमित से बचे और जनता की भी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है। और अब जो संक्रमित पहले हुए थे, काफ़ी अवेयरनेस के साथ जो सारे लोग काम कर रहे हैं, और अब ऐसे ही मुझे लगता है केस नहीं आ रहे हैं, जो हुए थे वो दुखद घटना हुई है, लेकिन अब सब अवेयर हैं। और इतने बड़े प्रदेश में मैं समझता हूँ कोरोना के केस बहुत कम है, कुछ नॉर्मल जुकाम भी है उसको भी है, तो लोग बाग उससे डर ज़्यादा रहे हैं। हमने कहा था कोरोना मेरी विधानसभा में नहीं आ सकता, तो उसको लोगों ने शुरू में अदरवाइज लिया था, लेकिन हिम्मत से भी बहुत काम चलता है, और हमारे यहाँ का इम्यून सिस्टम ठीक है, इसलिए कोरोना का ज़्यादा प्रभाव नहीं। कोरोना के संकट में फिलहाल सभी को सरकार का साथ देना पड़ेगा, तभी हम विजय इस पर हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी तरीके की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही हमारा ऐसा उद्देश्य है। सिर्फ इस
खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी जरा सी चूक, जरा सी असावधानी लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है।